बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रहमानी न्यूज़ HT की जानब से मैं हूँ मोहम्मद अरशद खोखर, प्रोग्राम फिल्मी सितारे लेकर। हमारी आज की स्टारा हैं मैडम गजाला बेगम। गजाला को बचपन ही से अदाकारी का बड़ा शौक़ था। उनका तल्लक मसीही घराने से था, यानी क्रिश्चियन। दूसरी हीरो नीलो रुजीना की तरह, लेकिन ये सब इस्लाम कबूल करके मुसलमान हो गई थी। हमारी आज की गुफ्तगू का मौजू है मैडम गजाला। गजाला ने अपना फिल्मी सफ़र उर्दू फिल्म बागी सरदार से शुरू किया और फिर विद इन नो टाइम बहुत बड़ी हीरोइन बन गई। उनकी कामयाब तरीन और सुपरहिट फिल्मों में इश्क दीवाना, तरतीदे लाल, जुल्म दा बदला, लाहौरी बादशाह, वैशी जट, चैलेंज, जग्गा, गुजर, ठा, अल्टीमेटम वगैरह हैं। जिन फिल्मों ने दरमियाने दर्जे का बिजनेस किया वो भी काफ़ी हैं, जैसे बागी सिपाही, बिल्ला चैम्पियन, इंसान और गदा, अलफ लैला महल, सोने की चिड़िया, प्यार दा वैरी, औखा जट, करदार, नौरीन, रावी पार, मेरा वीर, दिल दियाँ लगियाँ, दिल दिया दर्द लिया, दास्तान, जिंदगी कितनी हसीन है, मर्दा हथ मैदान, टिक्का मथे दा निज़ाम, दुख सजना दे, खजानची, पहलावार, नगरी दाता दी जिंदगी, जिंदाबाद, मफरूर, पेशावर बदमाश, अलान, मेला, लाल बुजक्कर, शाही फकीर, गैरत दा परछावां, मेला, अलान वगैरह जैसी फिल्में शामिल हैं। यूँ समझें कि गजाला ने अपनी गजाली आँखों और बेहतरीन खदोखाल की वजह से फिल्म इंडस्ट्री के आलमोस्ट सभी हीरो के साथ काम किया, जैसे फिल्म बागी सरदार में मोहम्मद अली के साथ, पंजाबी फिल्म औखा जट में लाला सुधीर के साथ, पंजाबी फिल्म मेरा वीर में अकमल के साथ, अलबेला में कमाल के साथ, मेला में अलाउद्दीन के साथ, यानी सभी हीरो के साथ काम किया। शाही फकीर में वक्त के अजीम गुलूकार मसूद राना के साथ शाही फकीर में काम किया, यानी उस वक्त के जो भी स्टार थे सभी के साथ। वैखी जट में इकबाल हसन के साथ काम किया, सभी हीरो के साथ उन्होंने काम किया और उनके काम को पसंद किया गया। इतने बड़े बड़े नामों वाले अदाकारों के साथ काम करने की वजह से खूबसूरत और हसीनो जमील गजाला वो कामयाबियां हासिल ना कर सकें, दूसरे लफ्ज़ों में दूसरे दर्जे की हीरोइन बन कर रह गईं। लेकिन जब गजाला ने कैफी के साथ फिल्म इश्क दीवाना में काम किया तो गजाला की रुत ही बदल गई और गजाला कामयाबी की तमाम हदें फलांग कर सफ़े अवर की हीरोइन बन गई। क्या बात थी जब वो फिल्म इश्क दीवाना में कैफी को कहती हैं, मैं हीर नहीं हूँ जड़ी डर के डोली पै गई सी, मैं सस्सी नहीं जड़ी कल्या रोंदी रह गई थी, मैं ना मैं चंग दी ना बंबोर दी, तेरा देश भी नहीं तख्त हजारा। क्या बात थी उस फिल्म की, बहुत चली अखां लड़ियां, दिल ते वार होया, सानू एक सोने नाल प्यार होया। माला की आवाज़ में गजाला पर गाना पिक, कैफी साहब पर भी ये गाना भट्टी साहब की आवाज़ में पिक्चराइज हुआ, जिस पर मुनव्वर जीव ने कमाल का डांस किया। फिर कैफी साहब की एक बहुत बड़ी फिल्म जुल्म दा बदला, जिसमें गजाला ने कमाल का काम किया। ये पाकिस्तान की कामयाब तरीन डायमंड जुबली फिल्म थी। गजाला इस फिल्म में गजाला का जो गाना था, जी करदा है कजले दी थां सजना, तेनू अखियां दे विच मैं कजला, बहुत खूबसूरत गाना था ये। फिर वो जब कैफी कहते हैं तेनू अपना बना के सोनी है, हुण असा दुनिया तो नहीं उडरना, बस ये बहुत बड़ी कामयाब फिल्म थी। फिल्म जुल्म दा बदला में जब गजाला टांगे पर बैठी होती हैं तो असद बहाली अपने साथियों के साथ घोड़ों पर सवार होते हैं। वो गजाला को देखते हैं और पूछते हैं ये लड़की कौन है, वो कहते हैं हमारे गांव की नहीं। फिर घर जाकर जगी मलक से कहते हैं बदरू बलवान
अज जे कुड़ी वेखी है कुड़ी की सी पटोला सी और मुंडे मतलब है ना मेरे छा गई है मेरे जेहन से बदरू भलवान जगी मल कहता है मलक जी नाँ दसो कि पिंड की है मैं चुके हमने लिया नवा और बंदा मैं कल्या पता करना वो बंदा भी आ जाता है बंदा आकर कहता है भलवान जी वो नाल दे पिंड की है तो भरा का नाम बरकत है तो सुने वो बड़ा गैरत वाला है जगी मलक आगे से कहते हैं गैरतमंद बगैरत करके तो मैं मज़ा आता है दस हो मैं हमने चुके लिया जगी मलक गुजाला के घर जाते हैं साथी लेकर और जब गुजाला के घर में दाखिल हो जाते हैं गुजाला पूछती है कौन है आप क्यों हैं मेरे बगैर इजाजत के अंदर वो कहते हैं हम मलक साहब के आदमी हैं और आपको उठाने के लिए आए हैं गुजाला कहती है क्यों मुझे उठाने ये आपको वहाँ जाकर बताएंगे हमारे अगर पिंड की कोई मटियार होती तो उसका भाई या प्यो खुद ही उसे बना सिंगार कर हमारे साथ तोड़ देते हैं क्योंकि आप इस पे दूसरे पिंड की हैं आपको मालूम नहीं आपको इसलिए हम ज़बरदस्ती नहीं उठा रहे गुजाला आगे से कहती है तुहाडा पिंड कोई बगैरतां दा पिंड होना है ये पिंड गैरतां वाला है गैरत इज्जत वाले प्यो तो गैरतां वाले भरा रहिंदे ने जग्गी मलक कहते हैं फिर आवाज मार मैं तैन चुकन लगा आवाज मार अपने गैरतां वाले भरा नूं और बाजू आगे करते हैं गुजाला को उठाने के लिए तो ऊपर से अनैसन पट्टी टोके के वार से उसका बाजू काट देते हैं इतनी सफाई से ये काटा गया है बाजू फिल्म बीन धंग रह जाते हैं बल्कि चीखें निकल जाती हैं फिल्म बीनों की और भट्टी अनैसन भट्टी जगी मल से कहते हैं भाइयों नूं आवाज़ मारन की जरूरत नहीं होंदी तू हथ वधाया है असां हथ कट छड़िया कट के दसने असी मतलब है ना ये भरा नहीं बड़ा बहुत जबरदस्त वो सीन था बहुत मज़ा आता है फिल्म में ये फिल्म का हाईलाइट सीन था जब वो जग्गी मलक का हाथ काटते हैं गुजाला की तरफ बड़ा हुआ इसके बाद इन दोनों की फिल्म धरती दे लाल ने भी प्लैटिनम जुबली मनाई बल्कि डायमंड जुबली मनाई बहुत कामयाब फिल्म थी चेते रवेगा हमेशा तेरा प्यार तेनू याद रवे ना रवे और फिर जब वो गुजाला कहती हैं सक मल के ते डिंगा चीर कट के डब्बा नच दियाँ खुलियाँ छट के मैं डगमग डोल दी फिर तो लोगों का बुरा हाल सिनेमा हॉल में होता था तालियां हंगरे डांस बहरहाल ये गुजाला इन फिल्मों में काम करने के बाद गुजाला सफ़े अव्वल की हीरोइन बन गई और जब कैफ़ी ने देखा तो कैफ़ी ने डोरे डालने शुरू कर दिए गुजाला पर गुजाला ने भी कहा मौका चंगा तू फायदा उठा लै मुंडिया कुड़ी फंस गई बहरहाल कैफ़ी ने वो मौका ना जाने दिया और गुजाला से शादी कर ली शादी के बाद भी इन दोनों ने बहुत काम किया गुजाला कहने लग गई बड़ा बनता सी मुंडा की बना के छड़िया बहरहाल ये पेशावर बदमाश फिल्म का गाना था बहुत अच्छी फिल्म थी पेशावर बदमाश भी जिसमें आखिर में कैफी कहते हैं लोग आंदने बूबा वादे का बड़ा पक्का है पर मैं कहना वा रानो शायद नाम होता है फिल्म में रानो वादे की बहुत पक्की है ये तो मेरे से भी बाजी ले गई आगे चली गई वो मर जाती है ना आखिर में तो ये एंड बहुत शानदार था फिल्म पेशावर में बहुत अच्छी फिल्म थी लेकिन चूंकि बशीरा पहले रिलीज़ हो चुकी थी एंड वही बशीरा वाला था लिहाजा ये फिल्म सुपरहिट तो ना हुई बड़ा दरमियान जाकर रही बहुत शानदार गाना था इस फिल्म में और संगीता और नैसन भट्टी पर जो पिक्चराइज हुआ वो भी कमाल का गीत था साडा नाजुक दिल माइया संगीता ने कमाल किया इस गाने पर भी पर अफशा ने भी कमाल किया इन तीनों फिल्मों के गाने मकालमे अदाकारी इश्क दीवाना जुल्म दा बदला धरती लाल की बड़ी कमाल थी फिर इन फिल्म जगह गुजर आई वो भी बड़ी कामयाब हुई इसके बाद चैलेंज आई चैलेंज में भी ये दोनों अरूज पर थे जब कैफी कहते हैं आ लग जा गल दे नाल हरनी है नहीं तो गुजाला ऊपर से छाल मारकर सीने पर लग देती हैं बहुत चली ये भी फिल्म फिर जब अपना मौला जा रिलीज़ हुई तो कैफी को चिकोरी के साथ बहुत पसंद किया गया लिहाजा गुजाला ने समझा कि मौका अच्छा है बच्चों की तलीमो तरबियत करनी है परवरिश करनी है लिहाजा गुजाला ने मैदान छोड़ दिया और फिल्मी दुनिया से रिटायरमेंट ले ली कैफी के साथ गुजाला ने बहुत सारी फिल्मों में काम किया जैसे दिल नाल सजन दे
पेशावर नवाज, चैलेंज, जगह गुजर, रानो, रोटी कपड़ा और मकान, हंसते आओ हंसते जाओ, अलान, बिखरे मोती और भी फिल्में होंगी। बहरहाल ये इनके साथ कैफी की फिल्में थीं। फिर गजाला ने जब भरया मेला छोड़ा तो फिर फिल्म स्टूडियो का रुख ना किया और कैफी की खिदमत की आखिर तक। 2009 में कैफी साहब की डेथ हुई तो गजाला उनकी बीवी थी, उनके बच्चों को, उनका एक बेटा आमिर कैफी भी अदाकारी के मैदान में कूदा। मैदान फिल्म में वो शान के बराबर हीरो आया, अच्छी फिल्म थी लेकिन वो चल ना सकी और बेचारा फ्लॉप हो गया। आजकल वो अपना बिजनेस कर रहा है, बहुत अच्छा कद काट उसके साथ खड़ा होकर ऐसा लगता है कि हम तो इंसान है ही नहीं, इतना वो कद काठाला और बड़ा लड़का है, बहुत अच्छा अदाकार है, लेकिन पता नहीं क्यों वो फिल्मों में कामयाब नहीं हुआ। हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला उसको कैफी की तरह और गजाला की तरह, चूँकि उनका बेटा है, कामयाब करे। अब आते हैं गजाला पर पिक्चराइज गानों की तरफ। गजाला पर यूँ तो काफ़ी गाने पिक्चराइज हुए हैं, चंद गानों का जिक्र करते हैं। बावे मनु कमली कह लै, बावे कह लै जली, तेरे बाद ड्राइवर यारा रह नहीं सकते कले। ये अफशान पर भी गाना गाया, अफशान में ही नूर जहाँ ने भी गाया, एक दफ़ा गजाला पर, एक दफ़ा आसिया पर फिल्म में पिक्चराइज हुआ। तड़क तड़क ताड़ी बज दी है, जरा हथ नाल हथ टकरान दे, फिल्म चैलेंज का ये भी गाना बहुत ही खूबसूरत है। इसी फिल्म का एक गाना गजाला पर, गुमसुम रहन ले चुप चुप बहन ले, बहुत अच्छा गाना है ये भी। ये भट्टी साहब की आवाज़ में कैफी पर भी पिक्चराइज हुआ और गजाला पर भी पिक्चराइज हुआ। फिर गाना अखां लड़ियां दिल ते वार होया, सानू एक सोने नाल प्यार होया, ये इश्क दोने फिल्म का एक गाना था। भट्टी साहब पर भी पिक्चराइज हुआ, कैफी साहब भी पिक्चराइज हुआ और गजाला पर भी माला की आवाज़ में। फिर गाना था औखा जट फिल्म का, मेरे पैर नहीं जमीन उत्ते टिक दे, माही ने मैदान जितया, ये भी गजाला पर गाना पिक्चराइज हुआ, बहुत खूबसूरत गाना है ये भी। जी करदा है कजले की थां सजना, तेनू अखियां दे विच मैं कजलां, बहुत मज़ेदार गाना है ये भी। फिर गाना था आरी 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 दातन करे कुवारी, दातन क्यों कर दी दंद चिट्टे रखन दी, नगमा और गजाला पर ये गाना फिल्म पहला बार का पेश हुआ, दोनों ने ही कमाल की परफॉर्मेंस दी। फिर गाना था माही अद्धी राती आवे, कदी एक बजे ते कदी दो बजे, ये फिल्म ठा का गाना था, गजाला पर पिक्चराइज हुआ, बहुत अच्छा गाना था ये भी। एक पासे तेरी नौकरी जिदी 300 कुल तनखा, ये भी गजाला पर पिक्चराइज हुआ। कोई सड़दा ए ते सड़े प्यार न चन माही बाँ फड़े, मैं रंजन कहना ही, बहुत खूबसूरत गाना ये भी। मौका चंगा तू फायदा उठा लै मुंडिया, अलान फिल्म का ये गाना, फिल्म में तो खैर सेंसर हो गया जब रिलीज हुई, लेकिन अब ये गाना अवेलेबल है, देखा जा सकता है। फिर गाना था नड्डी दे नाल लाल है यारी, तू नड्डा मलंग चा कीता ई, अलान फिल्म का ये भी गाना बहुत अच्छा था। दुखाए दिल जो किसी का वो आदमी क्या है, किसी के काम ना आए तो ज़िंदगी क्या है, ये भी गजाला स्टेज पर गाती हैं, तारकदीन इलाम घर वाले भी बैठे होते हैं। फिर गाना था चेते रवेगा हमेशा तेरा प्यार, तेनू याद रवे ना रवे, धरती के लाल का ये गाना बचपन में भी गाया जाता है बच्चों की आवाज़ों में, फिर जब जवान होते हैं तो फिर गजाला पर ये गाना फिर पिक्चराइज हुआ। डाडी मुश्किल बन गई, ये दुख सजना में गजाला पर गाना नूरजहां की आवाज़ में पिक्चराइज हुआ, सैड सॉन्ग था। और भी बहुत से गाने हैं मैडम गजाला पर पिक्चराइज हुए, पर मैडम गजाला आजकल घरेलू ज़िंदगी बसर कर रही हैं, अल्लाह ताला उनको तंदुरुस्त और तवाना रखे और अपने बच्चों की देखभाल करती रहें। खुदा हाफ़िज़।